विश्व पर्यावरण दिवस एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल के नेतृत्व में तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क के समीप वृक्षारोपण किया, जिसमें पीपल, पाकड़, जामुन एवं सहजन पौधों को लगाया गया तथा पिछले वर्ष लगाए गए पौधों को देखभाल करते हुए उनको सिंचित किया गया। जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस व संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस है। हम सभी लोग प्रतिवर्ष योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि एक अच्छे पर्यावरण का संदेश दे सके और एक अच्छे वातावरण में हम सभी जी सकें। इस अवसर पर रामपाल सिंह, आशीष गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, अमरजीत, हिमांशु, मिथिलेश मल, हरि नारायण सिंह, राम इकबाल सिंह, जितेंद्र पासवान, अंगद कुशवाहा, विनय सिंह, दिनेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, विजय प्रताप सिंह, सत्यनारायण पासवान, जी के द्विवेदी सहित अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, पाकड़ कहाँ गया? ये है सर, ये इधर है, वही जगह है। पानी ले भाई, पानी दीजिए, पानी बढ़ जाइए लगा पाकड़ है, भैया तो नहीं, इधर इधर देखिए ऊपर, ठीक है, ये आना चाहिए। गोरक्षनाथ की जय, माता की जय। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एक सुखद संयोग है कि आज के दिन अपने मुख्य संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका जन्मदिवस भी है। तो हम लोग प्रतिवर्ष पूज्य महाराज जी के जन्मदिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। ये हमारे संगठन ने, हिंदू वाहिनी ने, इसके लिए प्रण किया है कि हर कार्यकर्ता दो दो पौधे रोपेगा। और आम नागरिक से हम लोग अपील करते हैं कि कम से कम एक पौधा इस दिन अवश्य रोपें, ताकि एक अच्छे पर्यावरण का संदेश परम पूज्य महाराज जी के जन्मदिवस पे हम सब लोगों को दे सकें, साथ ही एक स्वच्छ वातावरण में हम सब लोग जी सकें। क्या उद्देश्य है? यह उद्देश्य केवल धरती को, धरती माता को स्वच्छ बनाना, इसकी उर्वरा शक्ति को मजबूत करना, क्योंकि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वगैरह से चीज़ें, धरती और प्लास्टिक के उपयोग से चीज़ें खराब हो रही हैं, और प्रदूषण से जो हम लोगों की सांसें रुक जा रही हैं, वो सांस हमारी लंबे समय तक चले, हम स्वस्थ रहें, हम दीर्घायु रहें, आम जनता का शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए वृक्ष का होना बहुत जरूरी है।